नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बिना प्याज लहसुन के बहुत ही टेस्टी पत्ता गोभी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे आधा किलो पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को बिल्कुल पतले स्लाइस में हमें काट लेना है और चाहिए हमें आलू। आलू और पत्ता गोभी आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम 2 बड़े साइज के आलू को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल देंगे। आलू आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 3 से 4 मिनट के लिए आलू को फ्राई करेंगे, आलू के कलर चेंज हो जाने तक। तीन से चार मिनट के लिए मैंने आलू को फ्राई कर लिया है। जैसे ही आलू का कलर अच्छे से चेंज हो जाए हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न, साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच हींग, 2 सूखी लाल मिर्च और साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्च। 5 फोड़न जैसे ही फ्राई हो जाए हम डालेंगे 1 इंच अदरक को ग्रेट करके। बस हल्का फ्राई कर लेंगे हम और डाल देंगे हम यहाँ पे पत्ता गोभी। अदरक का कलर बहुत ज़्यादा हम चेंज नहीं करेंगे। पत्ता गोभी डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम करके 2 से 3 मिनट पत्ता गोभी को खोल के पहले भूनेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से पत्ता गोभी की सब्जी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा रोटी चावल पराठे के साथ खाने में। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम में पत्ता गोभी को अच्छे से भून लिया है। जैसे पत्ता गोभी हल्का हमारा सॉफ्ट हो जाए हम डालेंगे ड्राई मसाले। सबसे पहले नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। एक बड़े साइज के टमाटर को ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे। अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू और 1/2 कप मटर। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हमें सब्जी को लो फ्लेम में ढक के पकाते हुए। एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे ही रख के ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक आलू और पत्ता गोभी हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। पत्ता गोभी में हम अलग से पानी का यूज़ नहीं करेंगे। पत्ता गोभी को लो फ्लेम में ढक के पकाने से काफ़ी एक्स्ट्रा पानी निकलते हैं, अभी भी आप देख सकते हो। तो उसी पानी से हमारा जो आलू है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन हम बीच बीच में खोल खोल के एक एक बार चलाते भी जाएंगे ताकि सब्जी हमारे कढ़ाई में ना जले। तो ढक के तब तक पकाना है जब तक अच्छे से आलू पत्ता गोभी सॉफ्ट ना हो जाए। 7 से 8 मिनट हो गए और आलू पत्ता गोभी बहुत ही अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गया है। लास्ट में हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। 1 चम्मच देसी घी, 1/2 कटा हुआ हरा धनिया। बस अच्छे से मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। घी डालने से पत्ता गोभी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा। धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने 2 मिनट पत्ता गोभी को खोल के ड्राई कर लिया है। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी पत्ता गोभी आलू की सूखी सब्जी। और ये सब्जी आपको देख के जितना टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए एक बार खाएंगे ना बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।
तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।